हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल सेवई उपमा, जो कि बहुत हेल्दी होता है और टेस्टी भी होता है और बहुत कम समय में बन भी जाता है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप सेवई लिया हूँ जो कि कच्चा है, और इसको हमने फ्राई कर लेंगे जो कि कच्चापन इसमें ख़त्म हो जाएगा। आप ब्राउन सेवई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि टाइम कम लगेगा, डायरेक्ट आप बॉयल कर सकते हैं। तो मैंने उसमें बॉयल करूँगा गर्म पानी से, जो कि बहुत जल्दी भी हो जाएगा 2-3 मिनट में। तो मेरा ब्राउन हो चुका है सेवई। अब इसमें इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, ताकि जो हमने कच्चापन मारने के लिए इसको थोड़ा ब्राउन कर रहे हैं। तो मैंने इसमें अब गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा, इसीलिए मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो कच्चा पानी से भी बॉयल कर सकते हैं। और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगा, थोड़ा सा हल्दी, और ना चिपकाने के लिए इसमें थोड़ा सा आप तेल भी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या तो और भी आपको जल्दी बनाना है तो इसको आप ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब 2 मिनट हो चुका है, अब मेरा सेवई बॉयल हो चुका है, और इसको मैंने एक जाली में स्टैंड करके थोड़ा सा इसमें तेल मार लूँगा। आप चाहे तो ठंडा पानी मार के भी ठंडा कर सकते हैं। और एक नॉन स्टिक पैन लूँगा, उसमें 1 चम्मच मैं घी यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं, बढ़िया तेल में। तो मैंने इसमें सबसे पहले चना दाल डालेंगे रोस्टेड करने के लिए, उसके बाद मैंने मूँगफली दाना डालेंगे और थोड़ा सा काजू डालेंगे। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम रोस्टेड करके भून लेंगे, ताकि बहुत बढ़िया लगेगा खाने में। तो आप भी इसी तरीक़े से बनाएंगे तो बहुत हेल्दी है बनेगा। और 1 से 2 मिनट तक इसको भी हम पका लेंगे घी के साथ में, तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो आप जब आप इसी तरीक़े से बनाएंगे तो आपका भी टेस्ट अब बनेगा, हेल्दी होगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप ट्राई एक बार जरूर करिएगा, करके इन सारी चीज़ों को इसी तरीक़े से आपको भी पकाना होगा, और जलना नहीं चाहिए, ताकि बहुत बढ़िया खुशबू आएगा घी के साथ जो पक रहा है ना, बहुत बढ़िया लगेगा आपको भी। तो इसको सुनहरा कलर होने तक आपको इसको भूजते रहना है। और मेरा ये 2 मिनट हो चुका है, पक गया। इसको स्लाइजर से निकाल लेंगे ताकि घी भी नहीं निकले, इसी में रह जाए। और इसके बाद मैंने सरसों का दाना ऐड कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत बढ़िया खुशबू लाएगा। और इसके बाद मैंने कुछ वेजिटेबल का ऐड कर, जैसे कि बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटा हुआ ग्रीन चिली ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने गाजर और बीन्स और कैप्सिकम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको अगर हरा मटर पसंद है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इसको भी 2 से 3 मिनट भून लें। अब भूनने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो कच्चा वेजिटेबल है वो बहुत जल्दी पक सके। तो इसको वेजिटेबल के साथ खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, और हेल्दी भी होता है ये डिश। हेल्दी भी होता है, बहुत हेल्दी होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, सुबह सुबह खाने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं इसमें 1 कप पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसके बाद 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। अब 2 मिनट हो चुका है, वेजिटेबल पक चुका है, और देखिए कितना बढ़िया कलर आया, और बॉयल भी हो चुका है जल्दी। तो आप भी बनाइएगा इसी तरीक़े से कवर करके, ताकि ये साउथ स्टाइल है सेवई उपमा, जो कि बहुत हेल्दी होता है, टेस्टी होता है। इसलिए मैं सोचा आप लोग का बीच ये रेसिपी शेयर करूं। और मैं थोड़ा सा इसमें करी पत्ता ऐड कर रहा हूं, और अगर आपके पास फ्रेश नारियल है तो आप वो उसको भी ऐड करिएगा, अगर नहीं है तो उसको भी आप स्किप कर दीजिए। इसको इसी तरीके से भूजना है। इसको भूजने के बाद मैंने थोड़ा सा फ्रेश नारियल का यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते इस्तेमाल, देखिए। और इसको भी 2 मिनट के लिए हम चलाएंगे इसको, और चलाने नारियल भी इसमें पक जाएगा, इसीलिए मैं इसको भूज रहे हैं नारियल को। इसके बाद मैंने इसको बॉयल किया हुआ और सेवई इसमें ऐड करेंगे। नारियल भी खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने नारियल ऐड किया हूँ। अपना स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करिए ताकि कलर डार्क हो जाए। तो थोड़ा येलो कलर होने के लिए मैंने हल्दी इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पाइसी के लिए मैंने ब्लैक पेपर, और इसमें सेवई जो बॉयल मैंने करके रखा था उसको ऐड करके 1 मिनट इसको और भी भून लेंगे, ताकि सब मसाला जो है एक के साथ मिल जाए, और मिल के बहुत बहुत बढ़िया एक टेस्ट हो जाए। और ये मेरा उपमा रेडी हो गया, देखिए कितना शानदार कलर आया। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आया तो मेरे चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये रेसिपी बहुत बढ़िया लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये रेसिपी ज़रूर आप एक बार ट्राई करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।